वेलकम टू सद्भावना न्यूज़ एंड मैं पूनम शर्मा। मुख्यमंत्री से मिले निर्देशों के बाद राशन दुकानों से गरीबों को उनके हक का राशन मिला या नहीं, इसके सर्वे के लिए जिला प्रशासन का अमला व गठित टीमें शहर में सक्रिय हो गई हैं। इधर कोरोना काल में खाद्य विभाग ने जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद 7 राशन दुकानें निलंबित कर दी और 1 को निरस्त करके 5 लोगों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने रविवार को इंदौर प्रवास के दौरान अंबिकापुरी स्थित राशन दुकान पर अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान वे राशन वितरण व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए, लेकिन कलेक्टर मनीष सिंह को सर्वे कराए जाने के निर्देश दिए थे। इधर प्रशासन की ओर से कुछ दिन पूर्व हुई बैठक के बाद से ही इंदौर में इसकी शुरुआत कर दी गई। इसके तहत जिला स्तर से वार्ड स्तर तक बनी क्राइसिस मैनेजमेंट टीम में शामिल सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित होने वाले खाद्यान्न पर निगरानी रखी जा रही है। करीब 150 लोगों को टीम राशन वितरण पर नजर रखे हैं। जिले में प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 3 लाख से अधिक परिवारों को लाभ दिया गया। जिले में ऐसे परिवार जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी, उन्हें भी अस्थायी पात्रता पर्ची दी गई। 26 जुलाई तक अस्थायी पात्रता पर्ची धारकों को दस्तावेज उपलब्ध कराना होंगे। जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार के मुताबिक खाद्य विभाग की ओर से कोरोना काल के दौरान 289 राशन दुकानों की जांच की जा चुकी है। गड़बड़ी पाए जाने पर 7 दुकानों को निलंबित किया, जबकि 1 दुकान को निरस्त किया जा चुका है। 5 लोगों पर अभियोजन की कार्रवाई भी चल रही है। जिले की सभी राशन दुकानों का निरीक्षण, स्टॉक वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स का परीक्षण भी समय समय पर किया जा रहा है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।